हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष में एग्जाम के अंदर जो मिस्टेक हुई है उसके बारे में। जो उनका मंडे को पेपर था लीगल लैंग्वेज, उसके अंदर उनके मिस्टेक हुई है। 5 यूनिट की जगह उस पेपर के अंदर 2 ही यूनिट आई है और 2 यूनिट के अंदर भी टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं। पहली यूनिट में 2 क्वेश्चन आए हैं, दूसरी यूनिट में 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है। उस अकॉर्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स ने विज्ञापन दिए हैं अपने अपने कॉलेज स्तर के ऊपर, और उसी के साथ में जो जयपुर की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे विज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें यह मांग की गई है कि स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है, उन्हें या तो बोनस अंक मिलना चाहिए या फिर एग्जाम वापस करवाना चाहिए। इस टाइप की बातें आप सुन रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये है कि ये लीगल लैंग्वेज का पेपर करेक्ट नहीं हुआ है तो वापस इसका एग्जाम होगा, इसकी टेंशन भी है। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आए हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं इसके लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम तो वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लीगल लैंग्वेज वाला पेपर था उसका आपको, मतलब बोलते ना, 2 यूनिट तो उन्होंने दे दी। अब 2 यूनिट के अंदर भी वो जो 1 क्वेश्चन कम आया है उसके लिए आप बोनस अंक के लिए डिमांड कर सकते हैं। बाकी आपके ऑल ओवर जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग और जो आपने पहली यूनिट अटेम्प्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर बाकी दिए जा सकते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा। बाकी यूनिवर्सिटी क्या करती है इसके बारे में, इसका सब अपडेट आते ही हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। और यूनिवर्सिटी आपसे यदि एग्ज़ाम करवाएगी भी ये वापस, तो ये नहीं है कि उसने आज बोला है और कल आपको पेपर देना पड़ेगा। कम से कम आपको वो 7 डेज का टाइम देगी, तो उस 7 डेज के अंदर आप उस पेपर की तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो आपको उसके लिए अलग से टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। और वैसे भी आपका पेपर जो होने वाला था उसकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से कर ली थी, आपने अच्छे से पढ़ लिया था, उसके बाद आप पेपर देने जा गए थे। अब यदि वो पेपर वापस भी होता है तो आपको कोई वो हेडेक वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। और ये बात यूनिवर्सिटी भी जानती है कि रिवीजन करने की नीड रहती है, तो उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन या फिर कोई कन्फ्यूज़न है आपकी, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो कन्फ्यूज है कि उनके एग्ज़ाम वापस होने वाला है और उनको अभी से पढ़ाई करनी है, कब क्या पढ़ाई करनी है, ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए वीडियो। थैंक यू।